भाई लंबू आज मत हरवा दियो यार, बड़े मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके लाया हूँ। अरे नहीं गंजे, मुझे विश्वास कर, भरोसा नहीं है क्या तुझे मुझ पे? देख लियो आज पक्का हैर भोसड़ा जीतेगी। और अगर गार्डले डेविडसन जीत गई तो? अरे नहीं जीतेगी, भरोसा रख। चल देखते हैं। संभाल के नहीं 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 नहीं, नो नो शिट फक भेंचोद, ले साले ये पड़ी तेरी हायर भोसड़ा। अरे यार आज जीतनी तो यही चाहिए थी, पता नहीं कैसे हार गए। अब क्या करे, पैसे तो सारे गए। अरे रुक तू, मैं करता हूँ कोई जुगाड़। अरे कहाँ जा रहा है? अरे तू देखता जा बस। अरे ब्रदर एक छोटी सी मदद कर दो यार। कैसी मदद? यार एक टिकट उधार दे दो, मैं बस अभी लौटा दूंगा इस रेस के बाद। ये जो अगली रेस होने वाली है उसी के बाद? हाँ भाई अभी। और अगर नहीं लौटा है तो? अरे ऐसे कैसे ब्रदर, मुझे पता है अगली रेस कौन जीतेगा, पक्का दे दूंगा। चल बोल किसके टिकट दूं, हाया भोसड़ा की या गांडले लंडसन की? हायर भोसड़ा। अबे साले फिर से उसी पे। अबे चुप कर तू। ये ले और याद रहे इस रेस के बाद मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएंगे, आजा गंजे अमीर बनने का वक्त आ गया है। कमान यस, अपना बाइकर आगे है। पेंचो दंदा है क्या साले, दिखता नहीं है बाइक कहाँ उतारनी है। आ गई शांति, बन गए अमीर, मरवा ली अपनी। अरे कोई बात नहीं यार, हार जीत तो चलती रहती है। रुक एक बार और उससे मांग लेते हैं, इस बार गांडले पे लगा देंगे। आजा। अरे ब्रदर सुनो ना। बोल ब्रदर, एक टिकट और उधार दे दोगे क्या? इस रेस के बाद मैं दोनों के पैसे लौटा दूंगा। भोसड़ी क्या चूतिया समझ रहा है मुझे, साले मेरे पिछले टिकट के पैसे निकाल। अरे अरे ब्रदर दे दूंगा ना, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। साले मेरे से ज्यादा शान पति की ना तो ये ठोक दूंगा तुझे, समझा? अरे अरे ब्रदर कोई बात नहीं, मत दो टिकट यार, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। पैसे निकाल मेरे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ पैसे देने को, बस मुझे दो तीन दिन का टाइम दो, मैं लौटा दूंगा। साले दो तीन दिन में मेरे अगर सारे उधार नहीं चुका है ना तो तुझे और तेरे गंजे को यही मार के दबा दूंगा, समझा? अरे ब्रदर दे देंगे रिलैक्स। हाँ भाई बस दो तीन दिन की मोहलत दो, निकलो सालो यहाँ से। चल चल साले निकल यहाँ से। कमीने को मना किया था छोड़ दे ये काम, पर साले ने मेरी एक नहीं सुनी, आज मरते मरते बचे हैं दोनों। अरे बच गए ना, रोता क्यों है, मैं करता हूँ कोई जुगाड़। नहीं भाई तू अपने जुगाड़ अपने पास रख, मुझे नहीं और बर्बाद होना तेरे साथ। अरे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या तुझे? नहीं है भाई बिल्कुल नहीं है, अब तू जा अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बस बहुत हुआ। बात तो सुन यार, ऐसे छोड़ के जाएगा क्या मुझे? ला 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 ला। हेलो मॉम। कमीने आज फिर पीकर आया है। नहीं तो कौन पीकर आया है? शर्म नहीं आती लंबू तुझे, बूढ़ी माँ घर पे भूखी प्यासी बैठी और तू बाहर दारू के मजे ले रहा है। अरे माँ मैं कहाँ नशे में हूँ, मैं तो दारू को हाथ तक नहीं लगाया। हराम जादे माँ के सामने पीता है, शर्म कर। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया खाने में? गधे की गांड बनाई है खाने में कमीने, घर में कुछ होगा तब तो बनाऊंगी ना। ये क्या बात हुई, आज भी हम भूखे सोएंगे? तो पैसा दे ना राशन लाने को। शर्म नहीं आती पापा आपको, ये आपकी उम्र है अब पैसे उड़ाने की। अरे अरे ये कौन है? अरे ये पड़ोसियों का रोज का है, आज भी डांट रहे होंगे अपने बूढ़े बाप को। लगता है आज मामला कुछ ज्यादा ही गर्म है। उनकी लड़ाई में तू क्या करेगा? अरे रुको तो। बेटा भोला हूँ, घर में बैठा बोर हो जाता हूँ। तो क्या हमारी कमाई उड़ाएंगे आप? बेटा थोड़ा सा ही तो पैसे खर्च किए हैं। बस कीजिए पापा, शर्म आनी चाहिए आपको, हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप यूं ही उड़ाते हैं। कमीनी शर्म आनी चाहिए तुझे, मैं तेरा पति हूँ, तू कहाँ जा रही है कहाँ से आई है मुझे ये सब जानने का हक है। अरे लगता है आज पांडे जी की फिर अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। अरे जब भी देखो ये नहीं करना वो नहीं करना, इतना रोक टोक। तो तू ऐसी करती रहे और मैं तुझे रोकूं भी ना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई पालतू कुत्तिया नहीं, समझे? मैं कैसे ऐसे करके पैसे कमाता हूँ और तू जाके दो मिनट में उजाड़ देती है पार्टीज में, कल से अब मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझी? हाँ हाँ मत दो, ये पैसे की धमकी मुझे मत दिखाना, मैं भी कमाना जानती हूँ। साला दो पैसा खर्च क्या कर लिया, आग लग गई ने तो। अरे अरे पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं लेके चलता हूँ आपको हॉस्पिटल। बहन जो जल्दी कर, दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ मैं यहाँ। अरे पापा थोड़ा रुकिए, मैं लाता हूँ मांग के कहीं पड़ोस से पैसा। अरे अरे मिश्रा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे पांडे जी आप सही समय पे आए हैं, पापा की तबीयत खराब है, थोड़े पैसे दीजिए ना। अरे मिश्रा जी पैसे कहाँ हमारे पास, हमारे घर तो खुद लड़ाई चल रही है।
अरे तो थोड़े तो दे दो, बूढ़े बाप बीमार है मेरे। माफ कीजिए मिश्रा जी, अपना बाप आप खुद संभालिए। अरे बहनचोद क्या हुआ, चल ना हॉस्पिटल जल्दी। अरे पापा अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़ा टाइम लगेगा। साली गांडू औलाद, यहाँ मैं दर्द से मर रहा हूँ और इसके पास इलाज तक के पैसे नहीं है। पापा मैं जुगाड़ कर तो रहा हूँ। कितना समझाया था बच्चों ने कि बेटा पढ़ लिख ले तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, वरना भीख में तो इस दुनिया में कोई गाली भी नहीं देता, लेकिन मेरी सुननी कहाँ आई है किसी को। अरे क्या पापा इस टाइम कहाँ बचपन की बातें लेके बैठ गए। आराम जादे भूसरी के मुंह क्या देख रहा है, हाथ लगा और ऊपर चढ़ा मुझे। अभी आप थोड़ा सा आराम कीजिए, मैं इधर उधर से देखता हूँ पैसे जुगाड़ करके। भूसरी के इधर उधर से ही जुगाड़ करियो तू, ये नहीं कि काम धंधा करके पैसे कमा ले निठल्ला कहीं का। पापा मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाइए, मुझे बस चाहिए टॉय। बेटा ला दूंगा ना, चिंता क्यों करता है। नहीं पापा, आप रोज कोई ना कोई बहाना मार देते, आज मुझे चाहिए बस। बेटा पर वो इतना महंगा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरे सब दोस्तों के पास है टॉय, मुझे भी चाहिए। अच्छा चल मैं ला दूंगा कल पक्का। नहीं पापा कुछ पक्का नहीं, आप रोज ऐसे ड्रामे करते हो। अरे सच कह रहा हूँ, कल ला दूंगा, अभी तो पढ़ ले आराम से बेटा। कल देखना, अगर नहीं मिलाना तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ब्रदर सुनो ना। साले फिर से आ गया तू। ब्रदर देखो ना, बस एक टिकट दे दो यार, मैं जीतते लौटा दूंगा तुम्हारा सारा उधार। चला जाओ भोसड़ी के, नहीं तो यहीं पटक के ले लूंगा तेरी। कल समझाया था ना, अब कोई उधार नहीं मिलेगा तेरे को। अरे ब्रदर दे दूंगा मैं, एक दो दिन में सारे पैसे दे दूंगा तुम्हारे। हाँ वो तो तू देगा ही, नहीं तो साले घर में घुस के गान में गोली मारूंगा। चल फुट यहां से। साला किस्मत ही खराब है मेरी तो, यही कल जीत जाता तो किसी का क्या चला जाता। अरे भैया एक चाय लगा देना। ये लगा तो रखी है, अभी बनाइए, गर्म है। भाई पैसे खाते में लिख लेना। साले कब से खाते में लिखवाए जा रहा है, तू पैसे निकाल आज। भाई जैसे ही पैसे आते हैं देता हूँ ना। पैसे क्या खुद आएंगे चल के तेरे पास, बहुत हो गया तेरा, निकाल तो पैसे। भाई अभी नहीं है मेरे पास पैसे, बोला ना दे दूंगा। रुक साले तेरी तो। एक चाय देना भैया। साले क्या कर लेगा तू, मारेगा मुझे। अरे अरे क्या हुआ भाई साहब, लड़ क्यों रहे हो। ये साला पैसा ही नहीं दे रहे मेरे। तो मना थोड़ी किया यार, होंगे तो दे दूंगा। अरे अरे आप लोग लड़िए मत, ऐसा कीजिए भैया इनके पैसे मैं दे दूंगा। पर तुम क्यों दोगे मेरे पैसे। अरे इंसान ही तो इंसान के काम आता है, आपके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ, इसमें क्या है। चलिए शुक्रिया भाई साहब। वैसे मैं आपको काफी सारे पैसे दे सकता हूँ अगर आपको पैसों की जरूरत है तो। काफी सारे मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है तो दो। ऐसे नहीं ना भाई साहब। तो कैसे। आपको बस एक गेम खेलना होगा मेरे साथ, आप जीतो तो मैं आपको 1,00,000 यूसी दूंगा। और मैं हारा तो आप मुझे देंगे। अच्छा वैसे गेम क्या है। देखो ये पिस्तल है मेरे पास, इसमें 2 गोलियां हैं और 4 खाली, अगर तुमने ये चलाई और गोली निकली तो तुम जीते, और अगर फायर खाली गया तो मैं जीता। अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें तो मैं ही जीतूंगा। तो लो और ट्राई करो, जीत लो 1,00,000 यूसी। लगाओ निशाना। ओह शिट, फायर नहीं हुआ, इसका मतलब मैं जीता। चलो अब तुम निकालो 1,00,000 यूसी। पर मेरे पास तो नहीं है 1,00,000 यूसी। वैसे तुम्हारी बॉडी भी मेरे काम आ सकती है, तुम चाहो तो इससे भी मेरा काम चल सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। आइए यहाँ कोने में, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या करना होगा मुझे। बैठ नीचे। अरे अरे चलो ये सब मैं नहीं करता। करना तो पड़ेगा, जुबान जुबान होती है सर। अबे ओ टोपी उधर देख, देख रहे ना ये काम चल रहा है। ये हुई ना बात। क्या ये गेम हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं। जितनी मर्जी बार ट्राई कीजिए सर, आपकी मर्जी है, लगाइए निशाना। ओहो सर आप तो फिर हार गए। अबे साले इसमें गोली है भी। सर आपके सामने तो लोड किया मैंने। अब क्या फिर से बैठूं। जी सर। एक बार और खेलूंगा मैं। श्योर श्योर व्हाई नॉट। यस 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 फायर हुआ, अब मैं जीता, अब मेरी बारी। यस yes, सर जीत गए आप। चलो तुम बैठो नीचे, मुंह खोलो। सर आप सोच लीजिए आपको 1,00,000 यूसी चाहिए या ये चाहिए। अरे हाँ हाँ मुझे तो यूसी चाहिए। तो ये लीजिए सर आपका यूसी पैकेट। वाओ 1,00,000 यूसी। वैसे सर आपके लिए मेरे पास एक और ऑफर है, अगर आप इससे भी ज्यादा कमाना चाहते हैं तो। इससे भी ज्यादा मतलब कितना। मैं दिखाता हूँ सर, वो देखिए। वाओ इतने सारे पैसे। यस सर ये आपका हो सकता है। पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कुछ नहीं सर, बस आपको हमारे साथ गेम्स खेलनी होगी। कौन सी गेम। अरे बच्चों वाले इजी गेम सर, ऊंच नीच का पापड़ा, पकड़म पकड़ाई, लोड़ा लसन वगैरह। बस। यस सर बस। ठीक है मैं खेलूंगा गेम, बोलो कहाँ और कब खेलना है।
वो आपको यहाँ नहीं खेलने सर, उसके लिए हम आपको खुद लेने आएंगे। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं खेलूंगा। सर अगर आपका कोई जानकार या पहचान वाला भी ये गेम खेल के पैसा कमाना चाहता हो तो आप उसे भी अपने साथ ला सकते हैं, हम सबको पैसा देंगे। हाँ मेरा एक दोस्त है, उसे भी पैसा कमाना है और मेरे कुछ जानकार भी हैं। हाँ आप सबको ला सकते हैं अपने साथ, लेकिन 5-5 करके। क्या है ना हमारी गाड़ियाँ छोटी हैं, वो सिर्फ एक बारी में 5 ही लोगों को ले जा सकती है, बाकी के बच्चे अगली शिफ्ट में खेलेंगे। ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उन सबसे पूछ के आपको कॉल कर दूंगा। श्योर सर, ये लीजिए मेरा नंबर, मैं अब चलता हूँ, बाय बाय। मैं अब सबका उधार चुका दूंगा और सुकून की जिंदगी जीऊंगा। हाँ बे, कितना उधार है तेरा, बोल अब। 300 यूसी। अबे साले एक मिनट रुक, मेरा पैसा तो वो चुकाएगा ना, अभी बोला उसने। अबे साले तेरे तो क्या, वो अपने भी देके नहीं गया, अब उसी से लेना। अरे नहीं यार, अभी घर गया तो माँ घर से निकलने नहीं देगी, पहले इन्हीं लोगों से जाके पूछ लेता हूँ गेम के बारे में। अरे लंबू तू यहाँ हमारे घर? अरे अंकल, कल मैंने देखा आपके बेटे आपको डांट रहे थे कुछ पैसों की वजह से। हाँ ये तो हमारे घर का मैटर है, तुम निकलो यहाँ से। अरे अरे अंकल रुकिए, तो मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ, क्या आपको पैसे चाहिए? तू देगा पैसे मुझे, इसके पास खुद कुछ नहीं है। अंकल मैं नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास एक बंदा है जो आपको पैसे दे सकता है। वो कैसे? अरे अंकल हमें बस उसके साथ बच्चों वाला गेम खेलना है, और हम जीते तो हमें मिलेंगे अरबों यूसी। क्या बक रहा है, सच में? हाँ अंकल सच में। तो ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं खेलूंगा गेम। ये हुई ना बात। अच्छा अंकल कोई और है जिसे पैसों की जरूरत हो और आप उसे जानते हो? क्योंकि हम किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकता है। हाँ हाँ ये पड़ोसी है ना पांडे जी, उनकी बीवी काफी लड़ती है पांडे जी से पैसों के लिए, उससे पूछते हैं। आइए चलिए। अरे अंकल और लंबू आप दोनों एक साथ यहाँ? हाँ भाभी वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। देखिए भाभी मुझे आज एक आदमी मिला था। ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ ये गेम खेलने। ये हुई ना बात भाभी। आओ साथ वाले मिश्रा जी से भी पूछ लेते हैं। अरे भाभी और आप सब लोग यहाँ? देखो मिश्रा जी बात ऐसी है, ध्यान से सुनो। हाँ मुझे पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं खेलने चलूंगा। क्या बात है मिश्रा जी, आओ पीछे पप्पू के पापा से भी पूछ लेते हैं, उन्हें शायद पैसे चाहिए। अरे आप सब यहाँ एक साथ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया सब ठीक है, हमें बस आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। तो बस हमें बच्चों वाला गेम खेलना है। नहीं मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना, जाओ यहाँ से। अरे ये क्या हुआ, इन्होंने तो गेम खेलने को मना कर दिया, अब क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है उसे भी पैसों की जरूरत है, मैं उससे पूछ लेता हूँ, वेट। हेलो गंजे सुन। अरे मैं बढ़िया, तू ये सब छोड़। अच्छा सुन मेरे साथ एक गेम खेलने चलेगा, अगर जीते तो खूब पैसे मिलेंगे। अरे वो सब छोड़ गारंटी मैं लेता हूँ, पैसे मिलेंगे। ये बात, चल मैं उनसे बात करके तुझे फोन करता हूँ, मेरा दोस्त आ रहा है साथ खेलने। ये हुई ना बात। ये बात, वूहू। सुनो क्या मैं भी आ सकता हूँ खेलने? अरे सॉरी भैया अब तो हम 5 जने पूरे हो चुके हैं, अब आप अगली शिफ्ट में खेलना। चलो इट्स ओके। अब हमें आगे क्या करना है? मेरे पास उस आदमी का नंबर है, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ, वेट कहाँ गया। ये रहा उसका नंबर। हेलो। हेलो बोलो। हम 5 लोग तैयार है खेलने के लिए, अब हमें आगे क्या करना होगा? सिर्फ 5 ही कर पाए तुम? हैं तो और भी बहुत सारे जो खेलना चाहते हैं। ठीक है बाकी के बच्चे लोगों को हम अगली शिफ्ट में ले जाएंगे। ओके लेकिन हम 5ों को अब आगे क्या करना होगा? आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट बन के आज आपके घर पहुंच जाएंगे, कल हमारी बस आप लोगों को घर से उठा लेगी, फिर होगा आपका गेम शुरू। ठीक है डन।
क्या हुआ, क्या बोला वो आदमी? वो लोग मान गए, आज शाम को हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन के आ जाएंगे और कल उनकी बस हमें गेम के लिए लेने आ जाएगी। यस वाओ, अब होगा पैसा ही पैसा।